तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मैं बाल बाल बच गई। तो ऐसे ही कुछ जो टफ सेंटेंस होते हैं उसका हम देखेंगे कि इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। इस लेसन से आपकी फ्लुएंसी जरूर डेवलप होगी। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हम पहले सेंटेंस ले लेते हैं। जब भी आपको बोलना हो कि मुंह तोड़ जवाब, सो मुंह तोड़ जवाब के लिए एक फ्रेज होता है बिफेटिंग रिप्लाई। सो बिफेटिंग रिप्लाई का यूज करके आप जो है इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। वो तुमसे ऐसा बात ही कैसा कर सकता है, तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वो तुमसे ऐसा बात ही कैसे कर सकता है, तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसे आप बोलोगे हाउ कैन ही इवन टॉक टू यू लाइक दिस, How can he even talk to you like this? You should give him a befitting reply. You should give him a befitting reply. So, आपको समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस से कि इसे कैसे यूज किया जाता है। अब हम सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे I gave him a befitting reply. I gave him a befitting reply. So, होप ये फर्स्ट डेली यूज स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की ओर। सेकेंड डेली यूज स्ट्रक्चर है बाल बाल बचना। सो इसके लिए आप दो फ्रेज यूज कर सकते हैं, क्लोज शेव एंड नैरो एस्केप। अब हम एक दो सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इसे हम यूज कैसे करते हैं। अब आपको बोलना है कि कार मुझे टक्कर मारने ही वाली थी, मैं बाल बाल बच गया। कार मुझे टक्कर मारने ही वाली थी, मैं बाल बाल बच गया। तो अब इसे देखते हैं हम कि कैसे बोलेंगे। आई हैड अ नैरो एस्केप, द कार वॉज गोइंग टू हिट मी। आई हैड अ नैरो एस्केप, द कार वॉज गोइंग टू हिट मी। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैड अ क्लोज शेव। सो आपको जैसा सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। आग लगी ही थी कि मैं घर से निकला और आप बाल बाल बच गए। अगर ऐसी कुछ बातें बोलना है आपको तो आप बोलोगे आई हैड जस्ट लेफ्ट द हाउस व्हेन द फायर ब्रोक आउट। आई हैड जस्ट लेफ्ट द हाउस व्हेन द फायर ब्रोक आउट। आई हैड अ नैरो एस्केप। आई हैड अ नैरो एस्केप। तो ऐसा करके आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आग लगने ही वाली थी और आप जो है घर से निकले, मतलब आग लगी और आप निकले, तो आप बाल बाल बच गए, आपको कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। सो होप आपको सेकंड स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। थर्ड स्ट्रक्चर ले लेते हैं झपटा मारना। तो आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं वो झपटा मारते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है पाउंस। तो एक प्रॉपर वर्ड है पाउंस जो झपटा मारने के लिए यूज होता है। अब हम एक दो सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्ली ने मुझ पर झपटा मारा, तो आप बोल सकते हो द कैट पाउंस्ड ऑन मी। द कैट पाउंस्ड ऑन मी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। शेर तैयार था मुझ पर झपटा मारने के लिए। शेर तैयार था मुझ पर झपटा मारने के लिए। तो आप बोल सकते हो द लायन वॉज रेडी टू पाउंस ऑन मी। द लायन वॉज रेडी टू पाउंस ऑन मी। सो ये थे कुछ सेंटेंसेस झपटा मारने से रिलेटेड। अगर आपके दिमाग में कोई सेंटेंस है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। अब फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम में मेरा पेज है letterbuddy01। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कीजिए अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं डे टू डे जो लाइफ में हम बोलते रहते डेली यूज सेंटेंसेस उससे रिलेटेड पोस्ट डालती हूँ। सो ऐसे पोस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ताकि आप बाद में रिफर कर सकें। अब हम देख लेते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है भड़काने से रिलेटेड। अब हम समझते हैं भड़काने को क्या बोलते हैं। भड़काने को आप बोलोगे प्रोवोक करना। जैसे कि मुझे भड़काओ मत, तो आप बोलोगे डोंट प्रोवोक मी। तुम उसे क्यों भड़का रहे हो, व्हाई आर यू प्रोवोकिंग हर। व्हाई आर यू प्रोवोकिंग हर। अब इसी से रिलेटेड है भड़काऊ भाषण। तो आपने सुना होगा कि किसी ने भड़काऊ भाषण दिया, तो भड़काऊ भाषण को आप बोल सकते हो प्रोवोकेटिव स्पीच। जैसे आपको बोलना है कि उसने भड़काऊ भाषण दिया, तो आप बोल सकते हो ही डिलीवर्ड अ प्रोवोकेटिव स्पीच। ही डिलीवर्ड अ प्रोवोकेटिव स्पीच। सो भड़काऊ को आप प्रोवोकेटिव बोलोगे और भड़काने को बोलोगे प्रोवोक करना। सो ये थे फाइव डेली यूज स्ट्रक्चर्स जो आपको बहुत काम आएंगे डे टू डे लाइफ में। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ नई चीजें आपको लगी, तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए एंड जॉट डाउन कर लीजिए और उनका बार बार यूज कीजिए, फिर आप भूलेंगे नहीं। दो तीन और वीडियोस आ चुके हैं डेली यूज सेंटेंसेस से रिलेटेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। सो होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आप बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आप यूज कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड
याद से आप जो है बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पेज लेटर बेटर 01। सो होप यू एंजॉयड द लेसन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन। थैंक यू सो मच।